धरती निगल गई या आसमान खा गया, इस कहावत को सच कर दिखाया एक ऐसे त्रिकोण ने, एक ऐसे ट्रायंगल ने जिसे लोग डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं। समय समय पर साइंटिस्ट ने, खोजकर्ताओं ने इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की, करोड़ों डॉलर्स खर्च करके रिसर्च की गई, काफी सारी थ्योरीज भी सामने आई, लेकिन एक भी थ्योरी के पास पुख्ता सबूत नहीं मिले। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मियामी, बरमूडा और पुएर्टो रिको के बीच तकरीबन 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले बरमूडा ट्रायंगल की। कैसे बरमूडा ट्रायंगल लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बना और कौन कौन सी थ्योरीज बरमूडा ट्रायंगल्स को लेकर सामने आई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बरमूडा ट्रायंगल सबसे पहले सन 1945 में चर्चा का विषय बना, जब एक के बाद एक करके 5 अमरीकी जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर सफर करते हुए अचानक गायब हो गए। उनकी खोज के लिए एक रिसर्च टीम को छठे जहाज में भेजा गया और वो छठा जहाज भी इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर सफर करते हुए गायब हो गया। इन घटनाओं ने उन दिनों में काफी सुर्खियां बटोरी और उसी के बाद खोजकर्ता और साइंटिस्ट इस बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को जानने में लग गए। सबसे पहले खोजकर्ताओं ने पाया कि कोलंबस ने भी अपनी किताब में इसी बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र किया हुआ है। कोलंबस ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो दुनिया की खोज में निकला और इसी बरमूडा ट्रायंगल के एरिए में पहुंचा तो उसके साथ एक अजीब सी घटना हुई। अचानक उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और उसको भी मालूम नहीं चल रहा था कि कौन सी डायरेक्शन सही है और कौन सी गलत। और जब वो इसी बरमूडा ट्रायंगल के एरिए से बाहर निकला तो धीरे धीरे उसकी कंपास ने दोबारा फिर से काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान आज से तकरीबन 150 साल पुरानी एक दुर्घटना खोजकर्ताओं के सामने आई, जब यूएसए का एक शिप मैरी स्लेस इसी बरमूडा ट्रायंगल में अचानक गायब हो गया। महीनों खोज करने के बाद ये शिप बरमूडा ट्रायंगल से दूर उसी अटलांटिक महासागर में पाया गया। इस शिप का सारा सामान मौजूद था, टेबल, कुर्सियां, बेड, यहां तक कि लोगों का खाना भी अपनी जगह पर था, लेकिन एक भी इंसान मौजूद नहीं था। इसके अलावा सन 1918 में एक यूएसए का साइक्लॉप नाम का शिप इसी बरमूडा ट्रायंगल से गायब हो गया, जिसमें 306 लोग मौजूद थे। वो शिप कहां गया, वो लोग कहां गए, आज तक भी किसी को नहीं मालूम। इसके अलावा सन 1950 में एक यूएसए का प्लेन, सन 1952 में एक ब्रिटिश प्लेन, 1997 में एक जर्मनी का प्लेन इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर सफर करते हुए अचानक गायब हो गए। लेकिन इन सब के बीच 1972 में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने फिर से एक बार कोलंबस की याद दिला दी। दरअसल 1972 में एक जर्मन का शिप इसी बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते हुए अचानक गायब हो गया। लेकिन गायब होने से पहले उस शिप के कैप्टन की कुछ रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें वो बता रहा था कि उसे पानी बहुत ही ग्रीन कलर का नजर आ रहा था और उसके भी कैंपस ने अचानक काम करना बंद कर दिया। उसके बाद वो शिप कहाँ गया, कौन सा हादसा उस शिप के साथ हुआ, आज तक किसी को भी नहीं मालूम। दोस्तों, आपको बता दें कि औसतन हर साल 4 बड़े और 20 छोटे जहाज इसी बरमूडा ट्रायंगल का शिकार होते हैं। समय समय पर खोजकर्ताओं ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को जानने की कोशिश की, काफी सारी थ्योरीज भी सामने आई जिनको मैं एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले थ्योरी यह सामने आई कि जिस जगह पर बरमूडा ट्रायंगल मौजूद है उस जगह पर एलियंस आते जाते हैं, वो जगह एलियंस की है, इसीलिए जब भी कोई प्लेन या कोई शिप वहां से गुजरता है तो एलियंस ही उन्हें गायब कर देते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन मौजूद है। दरअसल कोलंबस ने अपनी किताब में जिक्र किया हुआ है कि जब वो बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहा था, उसका कंपास काम नहीं कर रहा था, उसी रात उसको आसमान में से एक रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे करके समंदर में समा गई। काफी लोगों का ये विश्वास है कि वो रोशनी कुछ और नहीं बल्कि यूएफओ था, लेकिन इसका आज तक कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। एक और थ्योरी जो खोजकर्ताओं ने सामने रखी वो ये थी कि दरअसल जिस जगह पर बरमूडा ट्रायंगल मौजूद है वहां पर गुरुत्वाकर्षण काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। वहां से बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय किरणें निकलती हैं और उन्हीं किरणों के संपर्क में आते ही प्लेन या शिप की मशीनरी काम करना बंद कर देती है, उनकी कंपास काम करना बंद कर देती है और देखते ही देखते उनकी दुर्घटना हो जाती है। इसके अलावा काफी सारे लोगों ने यह भी दावा किया कि जिस जगह पर बरमूडा ट्रायंगल मौजूद है उस जगह पर काफी विशाल मात्रा में मीथेन गैस के भंडार हैं, जिसकी वजह से प्लेन के पायलट या शिप के कैप्टन की सोचने और समझने की शक्ति चले जाती है, डायरेक्शन से भटकने के कारण उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। इसके अलावा कई साइंटिस्ट ने यह भी दावा किया
कि बर्मुदा ट्रायंगल की इस जगह पर काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कोहरा पाया जाता है, काफी घने बादल, और जब भी कोई शिप या प्लेन इस इलेक्ट्रॉनिक कोहरे या इन बादलों की चपेट में आता है तो उनकी मशीनरी काम करना बंद कर देती है और उनकी दुर्घटना हो जाती है। इन सब के बीच 70s और 80s में एक और थ्योरी सामने आई। दरअसल काफी सारे लोगों का ये मानना था और आज भी ये मानना है कि बर्मुदा ट्रायंगल का कोई रहस्य ही नहीं है। उनका ये दावा है कि अमेरिकन आर्मी द्वारा इस जगह पर आधुनिक और खतरनाक हथियारों का टेस्ट किया जाता है जिसमें न्यूक्लियर भी शामिल है। इसीलिए ही अमेरिका ने इस जगह को बदनाम करके इसका खौफ लोगों के दिलों में पैदा किया ताकि कोई भी इंसान वहां से ना गुजरे। सन 2001 में पॉल वाइजवाइन और उनके एक साथी ने इसी जगह पर जाकर रिसर्च की। दावा करते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्राचीन समय में अटलांटिस नाम का एक शहर इसी जगह पर मौजूद था जो समय के साथ उसी महासागर में समा गया। उनका ये दावा था उन प्राचीन लोगों के पास काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। उनके पास एक ऐसी मशीन थी जिनकी किरणों के संपर्क में आते ही कोई भी चीज गायब हो जाती थी, और उनका यह भी दावा था कि वो मशीनें आज भी उसी महासागर में समाई हुई हैं और उन किरणों के संपर्क में आज भी जब भी कोई शिप या प्लेन आता है वो भी गायब हो जाती हैं। लेकिन अटलांटिस शहर के बारे में आज तक भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, इसीलिए पॉल वाइजवाइन की इस थ्योरी को एक काल्पनिक कहानी समझा गया। इन सब के अलावा एक और लेटेस्ट थ्योरी जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी सामने लेकर आई वो ये कि जिस जगह पर बर्मुदा ट्रायंगल मौजूद है वहां बहुत ही तेज तकरीबन 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, वहां घने बादल भी मौजूद हैं। इसी कारण जब भी कोई प्लेन या कोई शिप इन बादलों या इन हवाओं की चपेट में आती है तो कंट्रोल या बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसकी दुर्घटना हो जाती है। दोस्तों समय समय पर इस बर्मुदा ट्रायंगल को लेकर कई थ्योरी सामने आई और शायद भविष्य में भी आती रहेंगी, लेकिन वो प्लेन वो शिप जो बर्मुदा ट्रायंगल से गुजरते हुए किसी भी कारणवश वहां से गायब हो गए या उनके साथ कोई हादसा हो गया, क्यों आज तक उनका मलबा भी बर्मुदा ट्रायंगल से बरामद नहीं हुआ, वो कहां गया और क्यों आज तक बर्मुदा ट्रायंगल से एक भी लाश बरामद नहीं हुई, इस सवाल का जवाब आज तक कोई भी साइंटिस्ट या उनकी थ्योरी नहीं दे पाई। तो दोस्तों ये थी बर्मुदा ट्रायंगल की कहानी और उसके साथ जुड़े कई थ्योरीज की जो समय समय पर सामने आई। आप लोगों को क्या लगता है, कौन सी थ्योरी आपको सही लगती है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।